बुरहानपुर में खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल मतदान करने पहुंचे, जहां उन्होंने खंडवा संसदीय क्षेत्र की 8 विधानसभा में बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी और यह विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सेमीफाइनल साबित होगा। वहीं बुरहानपुर जिले के बुरहानपुर और नेपानगर सीटों पर अधिक से अधिक मतों से विजय होने का दावा भी किया और कहा बुरहानपुर में कोई चुनौती नहीं है। बुरहानपुर भी और नेपानगर भी भारतीय जनता पार्टी की हमारी प्रत्याशी चुनाव जीतेगी, चाहे बुरहानपुर से अर्चना चिटनिस जी हो या नेपानगर से मंजूला देवी, दोनों को जनता आशीर्वाद दे रही है और यहाँ से वो चुनाव जीतकर जा रही है। बुरहानपुर में देखा जा रहा है कि जो हर्षवर्धन सिंह चौहान है वो भी काफी चुनौती और 13 भी कह रहे हैं कि चुनाव जीत। देखिए 13 के 13 उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं, तो हर आदमी अपना दावा करेगा कि मैं चुनाव जीत लूं, लेकिन मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि जनता मन बना के बैठी है भारतीय जनता पार्टी कमल फलाना। और जो है आपके लोकसभा क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में आपको इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि 8 की 8 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिली।